रचते हैं हाथ में मजदूर वर्ग के बारे में बताया गया है। जो मजदूर वर्ग है वो इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहते, लेकिन ये उनकी मजबूरी है, उन्हें ऐसा जीवन जीना है क्योंकि उनके पास कमियां हैं, अभावग्रस्त है। अभाव का मतलब होता है कमी, अभावग्रस्त मतलब अभाव से पीड़ित, कमियां हैं उनकी जिंदगी। किस तरह से छोटे छोटे मकानों में किस तरह से वो अपनी जिंदगी जीते, इसमें मजदूर वर्ग के बारे में बताता है कि मजदूर वर्ग किस तरह से अपना जीवन जीता। अगर आपको आए कि कविता का उद्देश्य क्या है, कविता का उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, कि ये कविता क्यों लिखी गई। ठीक है, पिछली बार आपको याद है हमने प्रतिपाद्य किया था, है ना, उद्देश्य क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, या उसका केंद्रीय भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, एक ही बात है तीनों से। सेंट्रल उसका उद्देश्य क्या है, क्यों लिखी गई है, उसमें कवि क्या बताना चाहता है, किन लोगों की बात की गई है। ठीक है, तो किन लोगों की बात की, क्या लिखो, क्या लिखो, इसका क्या प्रतिपाद्य है, या ये क्यों लिखी गई, अमीर लोगों की तो बात है ही नहीं कहते, गरीब मजदूर लोगों, इसमें मजदूर वर्ग की बात की है। और ओके गुड, मजदूरों की व्यथा, व्यथा का मतलब क्या होता है, दुख, 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 व्यथा होता है दुख, सिचुएशन होती है परिस्थिति, सिचुएशन इज परिस्थिति, व्यथा मतलब दुख। इसमें मजदूरों के बारे में बताया है कि समाज के जो मजदूर लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है और जो दूसरे लोग हैं उनमें कितना अंतर है, जो मजदूर हैं उनकी व्यथा की ओर संकेत किया गया है, उनकी व्यथा की ओर इशारा किया गया है, या उनकी पीड़ा को बताया गया है कि वे अपना जीवन विषमताओं में जीते हैं। विषमताएं क्या होती है, प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, उनकी व्यथा की ओर संकेत किया गया है कि वे विषमताओं से भरी परिस्थितियों में, दुखों की सिचुएशन में अपना जीवन जीते हैं। और कहते हैं कुछ नन्हे हाथ, कोमल हाथ, कुछ बूढ़े हाथ, कुछ कटे फटे हाथ, अगर बत्तियां बनाते हैं, खुद मुसीबतें झेलते हैं और दुनिया में खुशबू फैलाते हैं, अगर बत्तियां बनाकर दुनिया में खुशबू फैलाते हैं, उन्हें अपना जीवन गंदगी में जीना पड़ता है, बिताना पड़ता है, लेकिन दूसरे लोगों के घरों में खुशबू फैला देते हैं। ठीक है, ये इसका प्रतिपाद्य भी होगा, केंद्रीय भाव भी होगा, कवि ने यह कविता क्यों लिखी है, किस और संकेत किया है, कुछ भी क्वेश्चन आए, दिस इज द आइडिया, वो हम पैटर्न डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को पैटर्न भेजूंगी ग्रुप में, सिलेबस भी और पैटर्न भी आज भेजूंगी जो हमने अब किया है, कराएंगे यहां से आगे आपको ले जाएंगे। ठीक है, तो इसी की रिवीजन करके राइटिंग, तो हम पहले कर चुके हैं राइटिंग्स, अगर आपको याद हो, संदेश लेखन, नारा लेखन, पत्र भी हमने किया था, हम सारी राइटिंग्स पहले कर चुके हैं, कॉपी में भी लिखी हुई है, लेकिन हम दोबारा से डिस्कस उनको सारा करेंगे, कौन भाई सारी डिस्कशन होगी दोबारा। एक बार अपना ग्रुप चेक करना जिसमें मैंने आप लोगों को अलग अलग बुलेट्स बनाकर भी भेजे हुए हैं, संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है, संवाद लिखने के क्या मेन पॉइंट होते हैं, नारा लेखन कैसे लिखना है,
वो सारी चीजें आपको मैंने बताई हुई है, ठीक है। एक बार चेक करना, मैं दोबारा फिर से फॉरवर्ड कर दूँ, डोंट वरी, मंडे, ठीक है, बता दूंगी। अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लें फिर बता दें, ठीक है। नए सॉरी, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में और कहाँ कहाँ रहते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया। कैसी परिस्थितियों में मतलब किन हालातों में रहते हैं बेटे, नीचे खुशबू रचते हैं, क्योंकि पहला जो पोएम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाली पोएम है तो हम ये करते हैं, ठीक है। कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, पूरी परिस्थितियों में रहते हैं और टूटे फूटे घरों में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, पूरे कड़कट के ढेरों के बांस उनके घर हैं, विषम परिस्थितियों में रहते हैं, छोटी छोटी गलियों में रहते हैं, बीमारियों से जूझते हैं, ठीक है, बीमारियों से जूझते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि खुशबू रचने, हमने एक पॉइंट को और ध्यान में रखना है कि कविता के आधार पर लिखना, हमें कविता समझ में आ चुकी हुई है इसलिए हम अपने आइडिया से उसको लिखते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हमने कविता के इर्द गिर्द रहना है, ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं कि खुशबू रचने वाले हाथ गरीबी में रहते हैं, परेशान कर देने वाली परिस्थितियों में रहते हैं, कूड़े करकट के ढेरों के पास उनके घर है, छोटे छोटे मकान है, छोटे छोटे तंग, उठ जाइए वहां से प्लीज, कम है, तंग गलियों में उनके मकान है, ठीक है, और ऐसा इतनी बदबू है कि वहां जाने पर नाक भी फट जाए, बदबूदार इलाकों में रहते। आपने उस सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देना है जो हमें कविता में दी है, कहाँ रहते हैं, किस तरह के एरिया, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, हरमीत एनी डाउट बेटा क्वेश्चन में, कोई डाउट, नो, परिस्थितियां मतलब सिचुएशन और कहाँ कहाँ रहते हैं कि किस जगह पर रहते हैं। कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है, अब इसमें आपने काउंटिंग नहीं लिखनी, 4, 5, 10, हाँ जी बहुत सारे नहीं, हम लिखेंगे कई तरह के, इस कविता में कई तरह के हाथों की चर्चा हुई है, आपके बुक में पेज नंबर 123 कविता में नीचे लिखा ना, उभरी नसों वाले हाथ, यहाँ पर कविता में कई तरह के हाथों की चर्चा हुई है, जैसे कि इसमें हम नेक्स्ट टाइम से यहाँ मिले, इसमें कई तरह के हाथों की चर्चा हुई है, जैसे कि उभरी हुई नसों वाले हाथ, जैसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते जैसे नए हाथ, जूही की डाल जैसे खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ और जख्म से फटे हुए हाथ, बस ऐसे, ठीक है। 123-124 कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ, लेकिन फिर भी वे दुनिया में अगर बत्तियां बनाते हैं और दुनिया में खुशबू फैलाते हैं, कभी
केवल इतना ही अगरबत्ती। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। अगर इस क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया जाए कि इस कविता का शीर्षक खुशबू रचते हैं हाथ क्यों रखा गया है, सेम। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ मोल्ड किए जाते हैं, आंसर्स वही है, कविता पाठ आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कई तरह के हाथ हैं जिनमें कुछ कोमल हैं, कुछ कटे फटे हैं, कुछ जख्मों वाले हैं, कुछ जूही की कली जैसे खुशबूदार हाथ हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में ये हाथ रहते हैं, लेकिन फिर भी वे अगरबत्तियां बनाकर दुनिया में खुशबू फैलाते हैं। हाँ जी, दूसरों के घरों में खुशबू फैलाते हैं। जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल कैसा होता है, सेम वही रिपीटेड। ठीक है, माहौल कैसा होता है वहां पर, जहां अगरबत्तियां जलती हैं नहीं बनती हैं, जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल कैसा होता है, बहुत ही गंदगी भरा माहौल होता है, बहुत ही गंदगी भरा होता है, गंदे नाले से बदबू आती है, चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हुए होते हैं। ठीक है, और कुछ बुजुर्ग बच्चे बूढ़े जवान सब अगरबत्तियां बनाने में लगे हैं। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, माउस छोड़ दो प्लीज। व्याख्या कीजिए, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, इसका क्या मतलब। इसमें कवि ने बताया है कि अगरबत्तियां बनाने वाले हाथ बहुत ही पीपल के पत्ते मतलब छोटे छोटे बच्चों के कोमल हाथों की ओर लेकर कहा, कवि ने इशारा किया है कि अगरबत्तियां बनाने वाले कुछ हाथ पीपल के पत्ते जैसे कोमल हैं, यानी कि छोटे छोटे बच्चे अगरबत्तियां बनाते हैं और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ भी है, जो सुंदर हाथ भी है वो भी अगरबत्तियां बनाने में लगे हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं। इसमें फिर वही बात हम करेंगे, ठीक है, कि ऐसे हाथ जो गंदगी में अपना जीवन जीते हैं, कूड़े करकट के ढेरों के पास, छोटी छोटी बस्तियों में, तंग गलियों में रहते हैं, जिनका जीवन दुखों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वे अपने हाथों से अगरबत्तियां बनाते हैं और सारी दुनिया में खुशबू फैला देते हैं। कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है। खुशबू रचते हैं क्योंकि ये जो बात है ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, अनेक व्यक्तियों की बात है, किसी एक मजदूर की नहीं, अनेक मजदूरों की बात, किसी एक देश की नहीं, कई देशों की बात। इसमें एक मजदूर नहीं बल्कि पूरे मजदूर वर्ग को दिखाया गया है, इसलिए एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन का प्रयोग हुआ, सभी की बात। ठीक है, कोई डाउट इसमें, श्योर। बहुवचन हो, क्वेश्चन है कि कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है। क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों की बात, किसी एक मजदूर की समस्या नहीं, पूरे मजदूर वर्ग के समस्या की ओर इशारा किया, इसलिए एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन का प्रयोग। बहुवचन होता है ज्यादा लोग, तो यहाँ पर एक मजदूर नहीं, पूरे मजदूर वर्ग की बात। कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है, ये क्या कर रहा हूं आपके साथ, मतलब हमें शरारत करनी है ना क्लास में, जैसे नहीं तो ऐसे से।
कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया? विशेषण पता है ना, एडजेक्टिव्स होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। हाथ शब्द संज्ञा है, हाथ के लिए कई विशेषण प्रयोग हुए, कौन कौन से? पीपल के पत्ते जैसे, धोबी की गाल जैसे, जख्मों से कटे फटे। ओके, हाँ जी बेटा, घिसे पिटे हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, पीपल के पत्ते जैसे हाथ, जख्मों से भरे हाथ, खुशबूदार, जूही की दाल जैसे खुशबूदार। कौन से होते? मैंने आपको उसी भी बताया था, जो पीपल का पत्ता होता है वो यहाँ पे देखो बहुत से होते हैं, हम उसको जैसे मोड़ना वो मोड़ना, पीपल के पत्ते मेरे कोमल हो, उसको बताया बच्चों जैसे हैं, बच्चों के हाथ जो हैं वो पीपल के पत्ते जैसे, जो बड़े सॉफ्ट हैं, बड़े कोमल, छोटे बच्चों के बड़े सुकोमल प्यारे हाथों को बोलो पीपल के पत्ते जैसे। जूही की दाल जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, जूही का फूल खूबसूरत है, तो जो जवान है, युवा है, कोई लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको कहा खूबसूरत लड़कियां जो है वो भी अगरबत्तियां बनाती हैं, उनको कहा जूही की दाल जैसे। ठीक है, कोई और डाउट इसमें? कोई डाउट? नो। आप इसके फर्स्ट जो पहला वाला है क्वेश्चन, उसके पहले तीन, उसके पांचों क्वेश्चन, उसके बाद व्याख्या कीजिए के दो। हाँ जी, हाँ जी, पूरा पूरा, ठीक है, पूरा सेकंड के व्याख्या, क्लियर? एनी डाउट? नो। पोएम में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ। चले फिर आगे, उसके बाद हमारी कविता है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह है पेज नंबर 102। इमोशनल कैसे, क्या इमोशनल लगा इसके बारे में? बेटा प्लीज लिसन, स्टॉप टॉकिंग प्लीज। डिस्क्रिमिनेशन, कैसे डिस्क्रिमिनेशन? हमारे देश में आपको पता होगा कास्ट सिस्टम है, पता है, चार वर्णों में बांट लिया था, फोर वर्णास आप लोगों ने पढ़े हैं, पता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। वो वर्ण सिस्टम क्यों बनाया गया था? सोसाइटी को एक सही तरीके से चलाने के, सब मिलकर काम करते रहे, सोसाइटी अच्छे से चलती रहे, सब काम ठीक से चलते। लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से उसको दिया, तो अपने हिसाब से कास्ट को, अपने हिसाब से उन्होंने कास्ट सिस्टम को चलाना शुरू कर दिया, जिसमें क्या हुआ कि जो जिसको नीच जाति कहते हैं, निम्न जाति कहते हैं,
लोगों ने उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया और उन्हें मंदिरों आदि में जाने की अनुमति नहीं थी। उस समय के बारे में बताया है कि जब बहुत ही ज्यादा महामारी फैल गई। अभी हमारे यहाँ पर महामारी है, इतना प्रकोप है उस महामारी का, है ना, कि अभी भी हम लोग समस्या में, कोरोना से थोड़ा सा हम उभरे और अब डेंगू की समस्या बहुत ज्यादा है। अपने आसपास हम देखें करीब की हर घर में इस समस्या का सामना करना पड़ता है, एक महामारी। कोरोना ऐसी भयानक महामारी जिसने कई जाने ली, कई लोग बीमार हुए, ऐसी ही एक महामारी फैल जाती है। जब महामारी फैली तो हम पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी रिस्ट्रिक्शंस। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन क्या थी? घर के अंदर रहना। हाँ, मतलब हमें कंपल्शन किया गया कि हमें ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आप बाहर नहीं निकलोगे, और मास्क पहनना कंपल्सरी कर दिया कुछ समय के बाद, है ना। रिस्ट्रिक्शन मतलब हम पर रोक लगा दी थी कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। ऐसी ही एक महामारी के बारे में बताया है कि महामारी फैली, रोक लगा दी गई। पिता कहते कि मैंने अपनी बच्ची को बहुत रोका कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन बच्चे हैं, हमारा भी मन करता था कि हम घर से बाहर जाएं। जैसे ही थोड़ा सा हमें थोड़ी सी छूट दी गई तो हम घरों से बाहर निकले। जो लोग घरों से एकदम बाहर निकले, पकड़ में भी आई बीमारी की, समस्या का भी सामना करना पड़ा। जिन्होंने थोड़ा सा धैर्य रखा वो थोड़े ठीक रहे, बच गए। ऐसी एक बच्ची की बात है कि जो ऐसी महामारी में बाहर निकलती है, पिता के मना करने के बाद भी बीमारी में फंस जाती है, बीमार पड़ जाती है। पिता से कहती है कि मेरी इच्छा है कि मुझे एक फूल ला दो, मंदिर में से भगवान का एक फूल ला दो। और वो पिता एक फूल लेने के लिए जाता है, वहां उसके साथ क्या व्यवहार होता है, और वहां से जब घर लौटता है तो क्या स्थिति होती है, उसके बारे में जिसे हम नेक्स्ट क्लास में, राइट। थैंक यू।